नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजिंग और मैं हूँ संध्या। भारत और न्यूजीलैंड की टीम आज रांची पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ये जेएसएल स्टेडियम का नज़ारा, जहां पर कल T20 वर्ल्ड कप मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है, कल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम सीधा एयरपोर्ट से होते हुए एडिशन पहुँच चुकी है, जहाँ पर पूरी तरीके से उनके रहने की व्यवस्था की गई है। बायो बबल का अरेंजमेंट किया गया है, जिसके तहत कोई भी आम व्यक्ति क्रिकेटर और लोगों से संपर्क में नहीं आ सकता है। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी दर्शक जो है वो आज से ही जेएसएल स्टेडियम के बाहर पहुँच रहे हैं और काफ़ी उत्सुक हैं कल के मैच को लेकर। ठीक जेएसएल स्टेडियम के बाउंड्री के बाहर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर टी शर्ट जो है इंडिया टीम का बेच रहे हैं और दर्शक काफ़ी उत्सुकता के साथ कल के मैच की तैयारी पर जुटे हैं और ये टी शर्ट वो खरीद रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो कितने उत्सुक हैं इस मैच को लेकर। कल T20 वर्ल्ड कप मैच होना है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, कितने उत्सुक हैं आप? तो पहली बार देख रहा हूँ। क्या क्या कुछ उम्मीदें हैं इंडिया टीम से? जीतना चाहिए, जीतना चाहिए। और क्या कुछ आप सोचते हैं कि इस बार का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा टीम इंडिया का? पहले स्कोर खराब रहा है, हम लोग कुछ बना के रखेंगे। यहाँ पर आप क्या खरीद रहे हैं? ज्यादा उत्सुकता है नहीं, क्योंकि ये मैच जीत रहा है इंडिया, क्योंकि ये लीग इंडिया में मैच है। इंडिया सिर्फ आईसीसी में हारता है, आईसीसी का टूर्नामेंट ये जीतेगा। क्या कुछ एडवांटेज मिलेगा इंडिया टीम को यहाँ के पिच पे? यहाँ के पिच पे ये तो अश्विन अगर कल का टीम में मुझे आइडिया नहीं, लेकिन लगता है अश्विन तो विकेट ले गए, ये मैच जीत रहा है इंडिया। लोग काफी उत्सुक दिख रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं कि कल का मैच जो है वो भारत ही जीतेगा। काफी उम्मीदें जो है उन्होंने लगा कहाँ जाए आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से हर बार जब भी मैच होता है तब आप यहाँ के बेचते हैं? हर बार जिधर ये मैच होता है नहीं जीता। क्या लगता है इंडिया की टीम इस बार जीतेगी? क्या कुछ उम्मीद है? कौन से प्लेयर आपके फेवरेट है जिनसे आपने इस बार उम्मीद लगाई है? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा को उम्मीद है, वो अभी कैप्टन है, वही जीतेगा। जैसा कि आपने सुना, यहाँ जो टी शर्ट बेचने आए हैं वो भी दूसरे राज्य से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, और जहाँ भी मैच होता है वो आते हैं और टी शर्ट बेचते हैं। तो फैंस में काफ़ी उत्सुकता है कल के मैच को लेकर और अभी से ही लोगों ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि कुछ लोग अपना लगेज लेकर के आज से ही यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और आए हैं कल के मैच को लेकर और काफ़ी उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं। ये लोग जो हैं बाहर से आए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इनको उम्मीदें हैं इस बार, क्या कुछ उम्मीदें हैं इंडिया की टीम से? इंडिया जीतेगी। क्या लगता है कैसा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया टीम का इस बार का, क्या होगा? ऐसा है कि हम इंडिया का मैच देखते ही नहीं, कोई भी मैच देखते ही नहीं, हम वर्कर आए काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि इंडिया है, इंडिया में है तो इंडिया ही जीतेगी, ऐसा तो न्यूजीलैंड जीत जाएगा ऐसा तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे आए हुए काम करने वाले वर्कर्स भी यही चाहते हैं कि इंडिया है और इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी रहा हो, फिर भी उम्मीद यही है कि इंडिया की टीम ही जीते। आप देख रहे होंगे कंटिन्यूस मेरा फोन बज रहा है कि भैया कोई टिकट बचे हुए हैं, कोई पास है, तो अल्टीमेटली ये दिखाता है कि लोगों में क्रिकेट के प्रति एक उत्साह है, जो जुनून है वो दिखता है। और रांची हमेशा से एक स्पोर्ट्स लविंग शहर रहा है, पूरे झारखंड से आप देखेंगे कि बहुत ही खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी यहाँ निकले हैं। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, हर स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, हर जगह लोग खिलाड़ी यहाँ निकलते हैं और खेल के प्रति लोगों में बहुत ही रुझान एक रहता है और जुनून भी होता है। इनफैक्ट आप देखेंगे
ये विदेशी टीम भी अगर अच्छा खेलती है तो रांची के दर्शक उनको एनकरेज करते हैं, आप उनके भी अच्छे शॉट्स में, उनके भी अच्छी गेंदों पर लोग तालियां बजाते हैं। ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ के जो दर्शक हैं वो खेल प्रेमी हैं, अच्छे खेल को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं और एक आप लोगों के सहयोग से एक सफल आयोजन होगा हर वर्ष की। एक रिकॉर्ड भी बना सकता है रांची में, रांची के मैंने झारखंड के इतिहास में एक रिकॉर्ड रहेगा क्रिकेट के नाम। देखिए मुझे लगता है रिकॉर्ड्स तो सिर्फ नंबर्स होते हैं, लेकिन जो फीलिंग, जो एहसास होता है किसी भी सफल आयोजन में, जो आप लोग तुम हमेशा वहाँ लाइव मैचेस आप लोगों ने देखा है रांची में, तो लाइव मैचेस देखने का जो आनंद होता है वो अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। उसको सारे युवा जो हैं, सभी उम्र के लोग, मैंने देखा है कि हर एज ग्रुप के लोग जो हैं उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड की मैच को लेकर दर्शकों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कल की मैच का क्या रुख होता है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से संध्या।